से आ गई प्रभु के सामने। भगवान ने उन सबको देख लिया, प्रभु सबको देख रहे थे लेकिन ये सब एक को देख रहे थे। और यही संसार की बात होनी चाहिए कि हम सिर्फ एक को देखें, वो सब देख रहा है। हमारी बात अपने तो बिल्कुल उल्टी हो जाती है, हम सबको देखते हैं लेकिन एक को नहीं देखते। शरद पूनम की रात की वैशिष्ट्य तो यही है। रास क्रीड़ा मतलब क्या है कि वो सबको देख रहा है लेकिन मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं, सिर्फ उसको ही देख रहा हूं, उसके सिवा मेरे आंखों के सामने कोई नहीं है। ये अनुभव जहां आता है, ये अनुभव का स्वरूप का ज्ञान का नाम ही रास क्रीड़ा है। यही तो करना है। क्रीड़ा मतलब प्यार से खेलना और रास का मतलब रसिक के साथ रस्य होते हुए खेलना। रस रसिक रस्य, इसका मतलब रसो वैसा इति रासा। रस है ब्रह्म रस, रसिक है भगवान कृष्ण और रस्य है हम लोग, हमारा अंतकरण। रस का पान रस्य कर रहा है, रसिक के साथ वो जो क्रीड़ा होती है उसी का नाम रसो वही सहा इति रासहा। इस प्रकार से भागवत शास्त्र में वर्णित किया गया है, रसो वही सहा इति रासहा। इसमें गोपियां है, गोपी का मतलब गोभी पिबंती, जो भगवान को अपनी आंखों से पी लेती है उनका नाम गोभी गोभी पिबंती गोपी का है। गोपी का दूसरा मतलब बताया गया कि गोपयंती, जो भगवान को अपने अंतकरण में गुप्त रूप से रख सकती है उसी का नाम गोपी है। और गोपी का कह माने केशव, गोपी का माने जिनके अंतकरण में सिर्फ केशव का ही स्थान है उनका नाम गोपी का है। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद 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 जय हो। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे Govinda 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 Radhe Govinda 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 Radhe Govinda 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 Radhe Govinda 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 Radhe 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 Govinda कृष्ण भगवान की जय। रस रस्य रसिक एवं तीनों का एक रूप भाव रास क्रीड़ा है।
प्रभु हमें समझाना चाहते हैं, प्रभु हमसे ये खेल खेलवाना चाहते हैं, प्रभु अपितु हमें ये खेल सिखाना भी चाहते हैं। गोपियाँ आ गई, ने भगवान को देखा, उनको भगवान कैसे दिखे वर्णन किया जाता है, जो महाप्रभु कदम्ब वृक्षों को वृक्ष के साथ साथ में अपने पीठ लगा के खड़े हैं, जिन्होंने अपने पैर को त्रिभंगी देवड़ा इस अवस्था में रखा हुआ है, जिनके आधार पर मुरली है, तथा अनेकों गौवे उनके माधुर्यता का रसपान अपने मुख से एवं अपने जीभ से कर रही है, पी रही है, आकाश मध्य में तो चंद्रमा विराजित है और वो चंद्रमा अपने आप को रोकना चाहता है ये प्रभु के अनुग्रह छवि देखते हुए, लेकिन वो चंद्रमा को भक्ति रूपी जमुना ही बहते बहते ले आगे जा रही है। इस भगवान कृष्ण चंद्र को हम वंदना करते हैं, कैसे देखे प्रभु इस प्रकार से गोपियों ने देख लिया, बड़ा आनंद आया। सिर्फ भगवान को देखती है गोपियां, इनको दूसरे गोपी के भाव नहीं है, कोई साथ में है बिल्कुल रियाद में, अनेक नहीं अपितु एक को देख रही है। उनके अंतकरण की बाढ़ को देखते हुए भगवान को भी बड़ा अच्छा लगा। उस प्रेम रूपी बाढ़ में अपना बांध अपना बंधन न तोड़े तथा प्रभु के साथ हमेशा के लिए अपने आप को जोड़ दिया जाए, ये सहज होना चाहिए। इस सहजता बनाने के लिए भगवान ने उनसे वार्तालाप किया, प्रेम बंध टूट ना जाए, ये सहजता बनी रहे, इसलिए प्रभु उनके साथ वार्तालाप करते हैं। प्रभु कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा, यम किम करवाणि वा। प्रभु कहते हैं, स्वागतम हो महाभागा, हे महाभाग आपका स्वागत हो। महाभाग इस प्रकार से इनको संबोधित कर रहे हैं। महाभाग कौन है? जो महान भाग्यशाली है। कौन? जो जाग गया वो। महाभाग कौन है? तो वही कि जो भगवान ने बुलाया इस अवस्था में जागृत हो गया। ऐसे महानुभाव महाभागों का यहां मेरे साथ स्वागत है। वो कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम की करवाणी वह। बोलिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? इतना आसान संस्कृत है, इतना मीठा है कि कोई अलग सा अर्थ बताने की जरूरत नहीं। कहते हैं, प्रियम की करवाणी वह, मैं क्या करूं आपके लिए? ब्रजस्थाना मयम कश्चित द्रुतागमन कारणम, आपका स्वागत हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन पूछते कि ब्रज को छोड़ते हुए यहां आने का आपका कारण मैं समझ सकता हूं? काल की विशेषता प्रभु ने यहां इस्तेमाल की, क्या मैं समझ सकता हूं कि ब्रज को ब्रज का त्याग करते हुए आप सब यहां कैसे आ गई? मुझे मजे की, बड़ी मजे की बात, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। एक एक शब्द के लिए हृदय में देख लो। उन्होंने याद दिलाया ब्रज का, उन्होंने बिल्कुल याद नहीं दिलाया संसार का। उन्होंने पूछ लिया कि ब्रजस्थान मयम कश्चित, ये ब्रजस्थान को छोड़ते हुए आप यहां कैसे आ गए? कोई कोई महाभाग ऐसे होते हैं कि वो भगवान प्राप्त भी हो जाए तो भी अपना सत्कर्म एवं अपनी क्रिया कर्म पूजा पाठ छोड़ते नहीं। साधना कब तक करनी चाहिए? साधना साध्य तत्व को हाथ में देने तक होती है, उसके बाद उसके साथ एक रूप होना होता है। आप मेरे पास आई हो, क्या ब्रज को लेके आई हो या ब्रज को त्याग के आई हुई है, ये पूछने का सवाल है। ब्रज माने वृंदावन, वृंदावन माने तुलसी का वन, आपको मैंने कल बताया था। तुलसी का वन माने हृदय भूमि। क्या आप आपकी हृदय भूमि से यहां आए हो? क्या हृदयस्थ को देखने के लिए आए हो? बताइए किस लिए आए हो यहां? आगे जाके पहले तो अध्यात्म से, बाद में संसार की बात करते हैं। पूछते हैं,
रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इतनी रात में मध्यरात के समय आप यहां अब तक आ गई, सब ठीक तो है ना। प्रत्यात वर्जम ने स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा आप इस प्रकार से जंगल में आना, इतनी रात में आपको घर छोड़ के आना थोड़ा ठीक नहीं लगता, सब ठीक तो है नेयस्थेयम। गोपियां कहते कि हाँ प्रभु सब तो ठीक है, हम आए आपके दर्शन के लिए। मेरे दर्शन के लिए कैसे आ गए, अचानक कैसे आना हुआ, सुबह तो हर दिन तो मैं आपको मिलता ही रहता हूं। प्रभु आपने हमें बुलाया, कब बुलाया मैंने, आप भी बुलाया, कौन ने किसने बताया, कोई समाचार आया था मैंने बुलाया। एक गोपी कहते कि हाँ आया था, मुझे बता के गया था। रात्रि अमुचा मंदिरी आला निरोप सांगुनी गेला गराधे तुला पूसतो घोंगडीवाला गराधे तुला पूसतो घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला राधे तुला पूसतो घोंगडीवाला। रात्री अमुचा मंदिरी आला रात्री अमुचा मंदिरी आला निरोप सांगुनी गेला राधे निरोप सांगुनी गेला राधे पूसतो घोंगडीवाला राधे तुला पूसतो घोंगडीवाला। किसने बताया, मैंने बुलाया था आपको, हाँ आपने तो हमें बुलाया था, संदेश आपसे तो मिला था। गोपियां कह रही है मैंने बुलाया था आपको, मैंने किस लिए बुलाया होगा, शायद मैंने ही बुलाया था आपको, हाँ मैंने आपको बुलाया था, हाँ अच्छा आपने याद दिलाया, मैंने आपको बुलाया था, नाम आ गए, हाँ मैंने आपको बुलाया था, मैंने भाई प्रभु आ गए ना हम लोग, आपने बुलाया था हम आ गए, हाँ मैंने इसलिए आपको बुलाया था कि ये शरद पूनम की रात में इतना अद्भुत सौंदर्य जो दिखता है वो देखने के लिए बुलाया था। देखिए आप ये वृंदावन देखो, ये कदंब वृक्ष देखो, ये चंद्रमा देखो, ये रमण रेती देखो और ये यमुना का जल देखो और मेरी तरफ देखो, मैं कैसे दिखता हूं, ये सब देखने के लिए तो आपको बुलाया था, देख लिया आपने। अब जाइए अपने संसार में वापस चले जाइए, आपके पति एवं पुत्र एवं आपकी सासू मां आपको बुला रही है, आपकी याद कर रही है, मैं परपुरुष हूं और आप अच्छे घर की औरतें हैं, अच्छे घर की औरतें परपुरुष के पास रात के समय कभी जाती नहीं। भगवान ने जब इस प्रकार से बात की गोपियां मानो रोने ही लगी और कहती कि कैसे बोलता है तू, तू कैसे पूर्ण पुरुष हो सकता है, तो आत्म तत्व का पुरुष है, हृदय का पुरुष तू ही तो है, तू ही तो एक तो है, घर में जो है वो प्रतिकृति है, आप आकृति हो, आप स्वयं हो, ये प्रतिकृति छाया घर में है, आप तो स्वयं निवास स्थान हो, भगवत तनु नाम निवास स्थान है, आप तो स्वयं हो, कैसे हमें कह सकते हो, जाओ 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 जाओ। आप बताइए कि किसी एक स्त्री का पुरुष गांव गया है और वो विरह की अवस्था में अपने आप को रोक नहीं सकी, उस समय वो अपने हाथ में अपने पतिराज का एवं अपने प्रियकर का तस्वीर लेते हुए उसके साथ बातें करती रही हो और उसी समय अगर उसका पति आ गया तो उसने क्या करना चाहिए, वो जो वार्ता कर रही थी उसके फोटो के साथ क्या ऐसे बैठनी चाहिए, तस्वीर के साथ बैठनी चाहिए या आए हुए पति का सम्मान करनी चाहिए, तो आए हुए पति का सम्मान करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पति तो आप ही हो, हम आप ही का सम्मान कर रहे हैं, आप हमें जाने के लिए नाम न कहो,
हे प्रियतम, हे प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, इतनी निष्ठुरता पूर्वक वचन बोलना आपको शोभा नहीं देता। हमने सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे चरणों के लिए प्रेम करते हुए यहां तक हम लोग आ चुके हैं। तुम पर हमारा कोई वश नहीं, फिर भी तुम आदिनारायण भगवान हो, तुम हमारा त्याग मत करो, परित्याग मत करो, हमें आपसे जुदा अलग मत करो। कहती है, मैवं विभोरति भवाग् दिशुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। देवो यथादिपुरुषो, यथादिपुरुषो, यथा आदि जो परम पुरुष में परमात्मा जो आप ही तो है, सबसे पहले आपके तो हम भजन करते हैं। तब बोले भगवान, चलो ठीक है, अगर यही बात है तो बोलिए आपकी क्या इच्छा है। बोले हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा तो यही है कि आपने बुलाया, हम यहां आ गए, अभी आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो बोले ठीक है, तो फिर चलो हम खेल खेलते हैं। भगवान ने गोपियों के हाथ पकड़ लिए और प्रभु का खेल खेलना शुरू हो गया। गोपियों के साथ भगवान ने क्रीड़ा शुरू की। सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं, गोपियों के साथ भगवान क्रीड़ा करने लगे। यहां शब्द का उपयोग किया है, क्रीड़ा करने लगे, रासक क्रीड़ा बोले नहीं। क्रीड़ा माने तो खेल, और रासक क्रीड़ा माने तो रस के साथ उसका अनुभव करा देना, क्रीड़ा का अनुभव करा दे रहे, क्रीड़ा कर रहे। जैसे क्रीड़ा शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ खेलने लगे, तो वहां बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। एक गोपी, उसके साथ एक कृष्ण। एक बात समझ लीजिएगा, ये रास क्रीड़ा का जब उच्चारण हो रहा है, तो भगवान के शरीर की, अभौतिक शरीर की आयु सिर्फ 8 साल की है, 8 साल के बच्चे हैं प्रभु, और वो क्रीड़ा कर रहे। लेकिन उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से एक पुरुष के रूप में परिणित किया और गोपियों के साथ क्रीड़ा करने लगे। अलग अलग प्रकार से हाव भाव, नेत्र पल्लव, शरीर का स्पर्श एवं आनंद अनुभव देने लगे। 4 प्रकार की बातें भागवत में इस समय की गई है, हाव भाव, शरीर स्पर्श, नेत्र पल्लव एवं आनंद का अनुभव। ये 4 बातें बताइए भागवत में इस प्रकरण में। क्रीड़ा कैसी है, ये 4 प्रकार से है। और रास क्रीड़ा में शरीर का कोई संबंध ही नहीं होता, आत्म तत्व के साथ खेलता है, उसका नाम रास है। और क्रीड़ा का नाम इस 4 प्रकार से है, अंग भाव, नेत्र पल्लव, संकेत, इस प्रकार से प्रभु खेल रहे। खेलते खेलते गोपियों के सामने एक गोपी एक कृष्ण, एक कान्हा एक गोपी, दोनों में तीसरा कोई है ही नहीं, दोनों के बीच सिर्फ एक ही है, लेकिन दोनों को भी वो अलग अलग दिखता है। और खेल रहे, खेलते खेलते बहुत मजा आया, और खेलते खेलते गोपियों ने भगवान की आंखों में अपनी आंख डालते हुए देख लिया। उनको देखने को मिला कि कृष्ण के आंखों में उनको अपना सौंदर्य का अनुभव हुआ। हम कितनी सुंदर है, हम कितनी सुंदर है, हमारी सुंदरता तो विशेष रूप से। जब गोपियों ने अपने आप को बहुत सुंदर पाया, जब गोपियां अपने मन में कहने लगी कि ये कृष्ण को हमारे साथ खेल खेलना तो था ही, लेकिन हमारी मजाक नहीं, वो अपनी चाल चल रहा था, सच कहा जाए तो हमारे बिना कृष्ण भी अधूरा है। गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अब जार भाव, द्वैत भाव एवं विषय का भाव आया। थोड़ा सा आगे जाने के पहले यह एक क्षण के लिए रुकना चाहेंगे। रुकना इसलिए चाहते हैं कि पूछते हैं अपने मन को, भगवान सुखदेव स्वामी महाराज जी को पूछ रहे हैं कि गोपियों के मन में कृष्ण सामने होते हुए भी इस प्रकार से भाव कैसे आया। इसकी 3 व्याख्या शास्त्र ने बताई है।
सबसे पहली व्याख्या ये बताए कि वो तत्व ज्ञान मुख से बोल रहे थे, अंदर उसका अनुभव अभी तक नहीं आया था, पहली बात। दूसरी बात ये बताई कि भगवान ने उनको घर की याद दिलाई थी, वो कृष्ण के साथ खेलते खेलते घर की माने अपने शरीर की माने अपने सौंदर्य की याद कर रहे थे, ये दूसरी व्याख्या थी। उनके मन में ये भाव क्यों आया। और तीसरी बार ये है कि प्रभु हमारे साथ है, ये भाव से भी ज्यादा हम भगवान को साथ दे रहे हैं, इस प्रकार से भाव से अभी तक वो बाहर नहीं आए थे। भगवान हमें साथ देता है भूल गए, और प्रभु हमारे साथ है छोड़ते हुए, हम प्रभु के साथ है छोड़ते हुए भगवान हमारे साथ ले रहा है, इसी को शास्त्र में बताया गया कि विषय की तरफ देखना, पीछे की तरफ देखना, मुड़ कर देखना। इस समय क्या हुआ, प्रभु ने बताया कि अगर आप मेरे से भी बढ़कर श्रेष्ठ हो, आप मेरे बगैर रह सकती हो, तो आप आनंद में रहो। प्रभु कहते हैं कि आप आनंद में रहो, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत मजे में रहो, आप अगर आप मेरे से छोड़ते हुए आनंद में रह सकते हो। तो व्यक्ति के रूप में मैं बीच में नहीं आऊंगा। सुखदेव महाराज कहते हैं उसी समय, तासाम तत् सौभगमदं वीक्ष मानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। इतनी बड़ी बात कही है यहां कि प्रशमाय प्रसादाय, उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर उनकी प्रसन्नता उनको प्राप्त करा देने के लिए प्रभु उसी समय अंतर्धान हो गए। भगवान की विशेष कृपा थी कि मेरे बगैर अगर जी सकते हो तो एक थोड़ा सा देख लो। जैसे कि बच्चों ने कहा, हे गोविंद बहुत समय हो गया, 7 दिन 7 रात तक सिर्फ तुमने तुम्हारी करांगुली लगा के रखी है, अगर आप चाहते हो, अगर आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो तो आप अपनी करांगुली निकाल ले सकते हैं, हमने गोवर्धन पर्वत को तो हमारी लकड़ी से पकड़ के रखा है। ठाकुर जी कहते, हाँ मैं तो डर गया था, मैं तो थक भी गया था, मेरे तो बहुत उंगली दुख रही थी, चलो ठीक है आप 1 मिनट के लिए पकड़ लो, तब तक मैं इधर का हाथ इधर करता हूं। भगवान ने सिर्फ हाथ हिलाया, अपितु उंगली छोड़ी नहीं, उंगली का स्पर्श गोवर्धन से छोड़ा नहीं था, सिर्फ हिलाया तो ब्रह्मांड हिल गया। ये भगवान यही बताना चाहते हैं, हे गोपियां अगर आप चाहती हो, आप समझती हो कि आप के बगैर मैं नहीं रह सकता, तो आप अनुभव कर लो कौन किसके बगैर रह सकता है या नहीं। बस इसीलिए प्रशमाय प्रसादाय, भगवान की कोई शिक्षा भी कोई शासन भी प्रसाद के रूप में ही आता है। माँ बच्चे को मारती है, डांटती है, चिल्लाती है, उसके अकल्याण के लिए नहीं, उसके कल्याण के लिए ही। कोई भी माँ अपने पुत्र को मर जा इस प्रकार से बात करती है, मतलब यह है कि तुम्हारे दुर्गुण निकल जाए और तुम्हारे में सद्गुण की स्थापना हो जाए। बड़ी अच्छी बात भागवत शास्त्र में बताया, प्रसाद प्रशमाय प्रसादाय। अब जब भगवान निकल गए तब गोपियों का ध्यान गया, अरे गोपी तू कब आई, ए जसवंती तू कब आई, हे सुलक्षणा तुम कब आई थी, हे सुनंदा तू भी है, एक दूसरे के नाम लेते तू कब आई। और सबको पता चला कि वो उसी समय आए थे कि जब भगवान ने उनको सबको एक बार एक समय में दर्शन दिया था। वो ढूंढने लगे कि अपने में से वो कोई एक है राधिका, उसके साथ प्रभु गए होंगे। आगे जाके उन्होंने भी पा लिया कि राधिका को भी गर्व हुआ था, अगर मुझे आप आगे ले जाना चाहते हो तो मेरे कंधे आपके कंधे पे मुझे बिठाओ। भगवान ने उसे उसी पेड़ के नीचे बिठा के, आप स्वयं गुप्त हो चुके थे, वो राधिका भी मिल गई। आप कहते हैं कि हमारे मन में अंतर आया, इसलिए भगवान के और हमारे में अंतर आया। अब इन्होंने भगवान को ढूंढना शुरू किया,
ढूंढो ढूंढो कहाँ गया ढूंढो ढूंढो ढूंढना शुरू किया। यहाँ देखो वहां देखो वहां देखो वहां देखो, ये गोपियां इधर उधर देखने लगी। मानव की अवस्था बताते सुखदेव महाराज कि मानव ढूंढते हैं तो इधर उधर देखता है किधर गया किधर गया किधर गया, पूछते लता को पानों को फूलों को पत्तों को, पूछ रही है ये नगरोध, हे अवदुम्बर, हे चंपक, हे बेला, हे चमेली, हे तुलसी, हे बिलवदल, आप बताइए हमें कृष्ण कहाँ छुपा है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, प्रभु कहाँ है, पूछ रहे हैं, पत्तों को हिला रहे हैं, पेड़ को उनका स्थान छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपने अंतर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये विशेषता है। इधर उधर ढूंढते 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 कहीं नहीं मिला, कहां गए कहां गए कहां गए ढूंढ रहे। फिर उन्होंने कृष्ण कीर्तन शुरू किया, एक अघासुर बन गई, एक बकासुर बन गई, एक पुतना बन गई, एक शकटासुर बन गई, और जैसे जैसे भगवान ने लीला करी उस प्रकार से लीला का गान करने लगे। उनको लगा कि हम इस प्रकार से नाटक करेंगे तो कृष्ण हंसते हंसते आ जाएंगे हमेशा की तरह। भगवान की मनीषा कुछ अलग थी, ये सब किया फिर भी नहीं आए। फिर एक दूसरे के साथ साथ ढूंढने लगी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। हूँ तो गोकुल ना गलियो मा शोधी वाली, हूँ तो गोकुल कई गलियो मा शोधी वाली, ना दीठे ना दीठे जमुना जी ना आरे, ना दीठे जमुना जी ना आरे, कदम के डारे छुपाई गयो कानूड़ो, सखी जो ने छुपाई गयो कानूड़ो, ठाकुर ना गलियो मा शोधी वळी, हूँ तो ठाकुर ना गलियो मा शोधी वळी, नारी छे नारी ठे गोमती ना आरे, के डंखनाथ द्वारे छुपाई गयो कानूड़ो, सखी जो ने छुपाई गयो कानूड़ो, सखी तो ज्योति ज्योति रोती, हूँ तो ज्योति ज्योति रोती, मधुबन ज्योति छुपाई गयो कानूड़ो, सखी जो ने विरह व्याकुल थाकी, हे भान भूल जाती छुपाई गयो कानूड़ो, सखी जो ने छुपाई गयो कानूड़ो, सखी एक गोपी संदेशो लै आवी, एम गई छे एम गई छे गंगाजी ने मळवा, एम गई छे गंगाजी ने मळवा, पाणी ना बेड़ा भरवा छुपाई गयो છે, એમ ગઈ છે મીરાબાઈ ને મળવા, નિવેશા વિષ પીવા છુપાઈ ગયો કાનુડો, સખી જો ને છુપાઈ ગયો કાનુડો, સખી જો ને
ના ભાઈ છાના વિનતી થી એક જના ભાઈ છાના વિનતી એના છાનામાં એના છાનામાં વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ બોલે એ ભક્ત બધા ડોલે છુપાઈ ગયો કાનુડો સખી જોને છુપાઈ ગયો કાનુડો હું જોતી હું જોતી રોતી રોતી મધુબન જ્યોતિ છુપાઈ ગયો કાનુડો સખી ગોપીઓને સબ જગહ દેખ લિયા પ્રભુ કહી નહીં મિલે અબ ગોપિયા કા દિલ ભોટી ટૂટ ગયા પ્રભુ કહાં ગયે કહાં ઇધર ઉધર બહાર કી તરફ સબ જગહ દેખ રહે થે ફિર ગોપિયા અપને આપ મેં બહોત હી રોને લગી ઓર રોતે રોતે પ્રભુ કો પુકારને લગી પ્રભુ કહાં ગયા આપ હમસે ગલતી હો ગઈ હમ આપકે સિવા નહીં રહે સકતે હમે માફ કરીએ ફિર કોઈ કોઈ ગોપિકા પ્રભુ કે નામ સે ઓર ઉનકો યાદ દિલાને લગી ભગવાન આઈએ 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 કૃપા કરીએ આપ પ્રકટ હો જઈએ આપ પ્રકટ હો જઈએ બહુ હૃદય સે ભગવાન કો બુલા રહીએ તથા ભગવાન કો અપની યાદ દિલા રહીએ એક વાર આવજો શામ જમુના ના કાઠડે ગોકુળ ગામ એક વાર આવજો શામ જમુના ના કાઠડે ગોકુળ ગામ આવજો ની ગાય ચરાવજો બંસરી બજાવજો શામ બંસી બજાવજો શામ જમુના ના કાઠડે ગોકુળ ગામ એક વાર આવજો શામ ગામ વરસાના મંદિરમાં હુએ કલી ગામ વરસાના રાધિકા કા મૈકી કા ગાવે વરસાના મંદિર માં હુએ કલી આવીને કરજો મુક્કા આવીને કરજો મુક્કા જમુના ના કાઠડે ગોકુળ ગામ એક વાર આવજો શામ એક જ વાર આવજો એક વાર આવજો શામ જમુના ના કાઠડે ગોકુળ ગામ વલ્લભ ના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી વલ્લભ ના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી ગોપિયા યા ભગવાન કો રસિક કહે રહી હૈ રસ રસ સે રસિક ચલને દો આપ બતા રહી આપ કોન હો હમારે સ્વામી હો આપ રસિક હો વલ્લભ ના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણિ વળી વળી કર્યું હું પ્રણામ વળી વળી કર્યું હું પ્રણામ જમુના ના કાઠડે ગોકુળ ગામ એક વાર આવજો શામ જમુના ના કાઠડે ગોકુળ ગામ અનેક પ્રકાર સે પ્રભુ કો પુકાર રહી હૈ જબ અનેક પ્રકાર સે બાત હોતી હુઈ ભી ભગવાન નહીં આ ગયે અબ તો ગોપિયા રોને લગી ઓર રોતે રોતે પ્રભુ કે લીએ અપને હૃદય કી વ્યથા ગાને લગી રોતી કૈસી રુરદમ સુસ્વરમ રાજન ઇસલિયે કૃષ્ણ દર્શન લાલસા રો રહી હૈ પ્રભુ કે દર્શન કી અભિલાષા સે ગોપીઓ કા જો વિરહ ગીત હૈ ઉસકા નામ હૈ ગોપી ગીત कुछ पंक्तियां गोपी गीत की पढ़ लेते हैं भागवत शास्त्र में रहस्यपूर्ण अवस्था का वर्णन जहां किया है उसका नाम गोपी गीत है बताइए कितना पन 40 हे श्रीनाथ जी गुजराती ट्रांसलेशन हे श्रीनाथ जी प्राण दो हमें तेरी मिली गजा प्रभु को पुकार रहे वो प्यार वो चो
जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्रहि गयत दृश्यता दिक्षुतावका स्वैधृता सवस्ता विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात स सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निर्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृषवते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मजो विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदे इवान् सात्वताम् कुले विरचिता वयम् वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्कृतेर्वया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रज जनातिहम् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करिस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणय देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरुच्चयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुनाप्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारुदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाचारयन् पशुं नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरै सीदतीतिनः कलिलतामनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदं परमजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तनं च ते रमणनिर्मये वर्पयाधियं सुरतवर्धनं शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुश्रुचुम्बितम् इतरराघवी स्मारणं दृढां
पितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद् भवान् अन्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडभुलीक्षताम् पश्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते त्यच्युता गताः गतिविरस्तवो गीतमोहिता कितव योषित कस्य जेनिषि रहसि संविदम् वृक्षयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदश्रियो वीक्षधामते मूरतिस्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यज मनाज्ञत्पृहात्मनाम् स्वजन रुद्रजाम्यन्निषूदनम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटविमटसि यत् व्यथतेन किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिधिर्भवदायुषाः श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्चित्रधा रुदुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसः गोपाल कृष्ण भगवान् की जय। दिव्य अतिशय अपने आत्म तत्व भाव से आत्म निवेदन भक्ति से गोपियों ने अपने मन की व्यथा एवं अवस्था एवं स्थिति का उच्चारण किया। गोपी गीत बहुत ही दिव्य है, कहने से भी ज्यादा उसका अनुभव कर लेना सबसे बड़ी बात है। चलो इस समय हमने गोपी गीत गा लिया, चिंतन करते रहेंगे और गोपी गीत का अनुभव भी करेंगे। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का उच्चारण आप सबने किया है, कहाँ पढ़ा था आपने भागवत, कब पढ़ा था, संस्कृत का अध्ययन कब किया था? मैंने तो नहीं किया था, लेकिन जब प्रभु के होते हुए प्रभु के लिए गाते हैं, अपने आप शब्द के पीछे शब्द एवं अर्थ के पीछे अर्थ आ जाता है। कुछ अलग से कहने से भी ज्यादा अंतर के हृदय को जानना यही सबसे बड़ी बात है। इस गोपी गीत को वंदना करते हैं भगवान शुक महादेव मुनि, कहते हैं कि गोपियां रोने लगी और कैसे, त्रुरुदम सुस्वरम राजन, सुंदरता से रो रही है। लोग फूट फूट कर रोते हैं, फूट फूट कर रोना संसार की बात है, अब प्रभु के विरह में अपने आप को धो लेना ये संसार के लिए अपितु परमार्थ की बात है। परमार्थ के लिए वो रो पड़ी, प्रभु के लिए वो रो पड़ी, अपने आप को न रोक सकी। प्रभु आपकी इच्छा जब आए सब आए। जब इस तरह से गोपिया अपने आप को बताई रही थी उस समय तासामा वीरभुशौरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरस्त्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधरस्त्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। उनके बीचों बीच जैसे कि बादल से ढके हुए चंद्रमा, बादल हट जाने के बाद अपने आप आकाश मंडल में स्थित है वो दिखने लगते हैं, उसी प्रकार उनके मन के वहम के हृदय के विचारों के बादल जब हट गए तब उनके हृदयों में ही गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की अनोखी छवि को अपने आप पा लिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
बड़ा ही अद्भुत आनंद हुआ, प्रभु को देख लिया, मानो अपने संसार में सब कुछ पा लिया। सात गोपियों के अवसर होते थे, कोई एक गोपी भगवान को दूर से देख रही थी, कोई एक गोपी ने भगवान का हाथ उठाया अपने वक्षस्थल पर रख लिया, कोई एक गोपी ने भगवान का पैर उठाया अपने वक्षस्थल पर रख लिया, कोई एक गोपी का भगवान चबा रहे हैं तांबूल अपने मुख में लेके चबा रही है, कोई एक गोपी का भगवान के वक्षस्थल पर अपना सिर ढक रही है, तो कोई एक गोपी का भगवान को विनम्रता से प्रणाम कर रही है। भागवत शास्त्र की सात उच्चावस्था का वर्णन भगवान शुक महामुनि यहां करते हैं। प्रभु कहते हैं आपकी इच्छा क्या है, बोले हमारी इच्छा नहीं, अभी इसके बाद आप जो बोले उसी प्रकार होगा, हम हमारी इच्छा कभी प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा में कामना का अंश है और आपकी इच्छा में हमारे आत्मतत्व का अनुभव देने का चिदांश है, आप हमें आत्मतत्व का अनुभव कराइए। प्रभु कहते हैं कि चलिए हम आपके साथ खेलते हैं, आपकी इच्छा। उस समय भगवान ने अपने आप को 16 साल के तरुण युवक अवस्था में प्रणीत कर लिया, भगवान दिव्य रूप से स्वयं बन गए एक युवा, और 16 साल के युवा को निश्चित रूप से कामना होती है। गोपियों के साथ साथ भगवान ने खेल खेलना शुरू किया, किसी गोपिका के गले में हाथ डाले तो किसी गोपिका के वक्षस्थल पे अपने हाथ रखे तो किसी गोपिका को कमर को लपेट लिया, और सबके साथ प्रभु खेलने लगे। खेलते खेलते गोपिका ने पूछा, हे प्रभु दुनिया में तीन प्रकार के लोग रहते हैं, एक लोग प्यार करे या न करे सबके ऊपर प्यार करते हैं, दूसरे लोग बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो कभी किसी के ऊपर प्यार नहीं करते, और तीसरे लोगों को प्यार की व्याख्या ही मालूम नहीं, आप इन तीनों में से कौन हो? प्रभु कहते हैं कि प्यार करने वालों पर प्यार जो करते हैं उनको संसारी बोला जाता है, कितना भी प्यार न करे वो किसी के ऊपर प्यार नहीं करते, उन लोगों को कभी महात्मा ने बोला जाता वो तो निरर्थक लोग है, वो तो खल बुद्धि वाले लोग है। लेकिन प्यार की भाषा तीसरी समय से आप जो कह रहे हैं उससे परा मैं हूं, प्यार करने वाला, प्यार करने वाले पे प्यार करने वाले, प्यार न करने वाले इससे भी ज्यादा प्यार क्या होता है ये मेरे अनुभव से ही मैंने आपको सिखला दिया, इसीलिए मैंने आपको विरह दिया था। गोपियों आपने मेरे लिए इतना प्यार किया है कि आज के बाद करोड़ों साल तक चंद्र सूर्य कितने भी आ जाए मैं आपके प्यार से उत्तीर्ण होने वाला नहीं हूं, मैं आपका हमेशा के ऋणी हो चुका हूं। और भगवान ने उस रात में, उस रात को 6 मास तक बढ़ाया, और उस रात में महाराज का क्रीड़ा हुआ, महाराज का खेल हुआ, जहां रस रसिक रस्य को रास बोला जाता है, और रस रसिक रस्य से भी ज्यादा अनुभव के साथ आत्म तत्व के साथ आत्मा का खेल शुरू होता है। आत्म तत्व माने आपका आत्म तत्व, और आत्मा माने सर्वांतर आत्मा भगवान महाप्रभु, आत्मा आत्म तत्व से जब खेलना शुरू करता है उसी का नाम महारास। इस प्रकार से भागवत में बताया गया है, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, वृंदावन मा चंद्र जयो, वृंदावन मा चंद्र जयो, चंद्र जयो, वृंदावन मा 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 चंद्र जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, चित्त मारु चोर लियो, चित्त मारु चोर लियो, चित्त मारु चोर लियो, चित्त मारु तन मन लूट लियो, तन मन लूट लियो, तन मन लूट लियो, तन मन लूट लियो, चित्त मारु चोर लियो, तन मन लूट लियो, वृंदावन मा चंद्र जयो, वृंदावन मा चंद्र जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, राधे गोविंद जयो, श्याम सुंदर मदन मोहन, 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 वृंदावन मा चंद्र जयो, वृंदावन मा चंद्र जयो, वृंदावन मा
भगवान ने गोपियों के साथ रास्ते क्रीड़ा की। राजा परीक्षित ने पूछा, वो तो दूसरी परनारी थी। भगवान ने बताया, नहीं, ये परनारी नहीं थी, वो आत्म तत्व का अनुभव है। ये गोपियां वेद श्रुति एवं भगवान को जानने के लिए प्रभु की रुचा थी। ये भागवत का अनंत दिव्य आनंद है। रास्ते क्रीड़ा 6 महीने तक चली, जो गोलोक में है प्रभु ने भूलोक में करके दिखाया क्या करना है। सर्वोच्च आनंद भगवान का और भागवत का रास्ते क्रीड़ा से परिपूर्ण होता है। कथा को यही विश्राम देते हैं। दोपहर की कथा में कंस जी का उद्धार होते होते भगवान मथुरावासी हो जाएंगे, फिर द्वारकावासी होते हुए शादी भी करेंगे। अंतिम कथाओं का आनंद लेने के लिए माध्यान्ह सत्र में हम फिर शामिल होते हैं दोपहर के समय। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। कुंडली कवरदा हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। गुरु गोविंद महाराज की जय। सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माउली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। जय श्री कृष्ण। जय राम। शांताय यदूनां पतये नमः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते। ॐ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कुंडली कवर्धा हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशव दत्त महाराज की जय। मौली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय।